नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शामली, मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद जैसे जिलों के दौरे कर वे इन दिनों कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। यही नहीं, शामली के कैराना कस्बे में उन्होंने पलायन कर गए उन लोगों से भी मुलाकात की जो वापस लौट आए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मथुरा पहुंचे थे और आज वो मेरठ में हैं। शुक्रवार को वो गाजियाबाद में पहुंचेंगे, वहां पर वो गार्बेज फैक्ट्री ऑडिटोरियम समेत कई अहम संस्थानों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हालांकि ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। कैराना में पलायन के मुद्दे को उभारने, मथुरा में हिंदुत्व को धार देने के भी संकेत मिले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और योगी की क्या रणनीति होने वाली है? राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो भाजपा की स्थिति पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड और अवध जैसे यूपी के इलाकों में मजबूत मानी जा रही है, लेकिन यूपी में किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड के चलते पार्टी की चिंताएं कुछ बढ़ रही है। ये माना जा रहा है कि बिगड़े हुए माहौल की काट के लिए योगी ने ये दौरे अपने शुरू किए हैं। इसके साथ ही गन्ना समर्थन मूल्य 340 रुपए कर दिया है। इस तरह से एक तरह से पलायन जैसे मुद्दे को उन्होंने अपनी बात में शामिल करके ये बता दिया है कि वो इस इलाके की बहुत फिक्र करते हैं। वहीं गन्ना समर्थन मूल्य में इजाफे के जरिए उन्होंने किसानों को साधने की कोशिश की है। ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कि ये दौरे राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के इफेक्ट की काट की भी एक कोशिश है। दरअसल किसान आंदोलन एक तरफ जाट समुदाय को भाजपा के खिलाफ लामबंद करता दिख रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के वोट भी बड़ी संख्या में सभा के पाले में जाने की संभावना है। ऐसे में जाट मुस्लिम गठजोड़ एक बार फिर से पश्चिम यूपी में उभर सकता है, जैसा कि होता रहा है, जो कभी सपा और राष्ट्रीय लोकदल जैसे दलों की ताकत हुआ करता था। ऐसे में भाजपा किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों के मुकाबले हिंदुत्व, सुरक्षा, विकास जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें एक तरफ सपा और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति में सेंध लगा सकेगी, वहीं जाट बिरादरी के वोट भी उनको मिल सकते हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। यूपी की राजनीति का चुनावी फिलहाल जिन्ना हिंदुत्व, सुरक्षा, गुंडाराज जैसे मुद्दों की ओर करवट ले रहा है। अखिलेश यादव की ओर से पहले जिन्ना, नेहरू, गांधी और पटेल जैसे नेताओं को एक साथ उनके नाम लिए हैं उन्होंने, फिर उनके सहयोगी ओपी राजभर की ओर से भी ये कहा गया है कि जिन्ना पहले पीएम होते तो देश नहीं बढ़ता। इससे ये भी साफ है कि सपा भी चाहती है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा वो रोक सके और उसका जो बड़ा हिस्सा है उसे उसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये थी सीएम योगी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरों पे मेरा कंटेंट। कैसा लगा आपको ये मेरा कंटेंट, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।